हेलो, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूँ कनीजा शेख जांबूडकर और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 3 बजे से। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो हमारे मम्मी पापा का फास्ट है, तो मैं कुकिंग जल्दी कर रही हूँ और बुद्ध पूर्णिमा है तो कुछ स्पेशल बनाऊँगी। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। और मैं खा रही हूँ छाछ, खिचड़ी और अचार। और अमन थी अपने दादी के साथ यहाँ खेल रही है। मुझे कुछ ज़रूरी सामान लाने के लिए बाहर जाना होगा अभी, तो मैं अमन थी को यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ मम्मी के साथ। ये जो स्टिकर दिख रहे हैं ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, काफ़ी सुंदर क्वालिटी है इसकी। जब पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और यूट्यूब पे डालूंगी। अभी कारपेंटर का काम चल रहा है तो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी है, पूरा पार्किंग एरिया प्लाईवुड से भरा हुआ है। और यहाँ पे शायद कुत्ते सोए हुए, हाँ कुत्ते सोए हुए मैंने ऊपर से देखा था। और मैं आ गई हूँ बीकानेर। वहाँ से चीज़ें लेके फटाफट मैं घर आ गई। तब तक मेरी रबड़ी वाली खीर बनके तैयार हो गई थी और मैंने आटा भी गूंद लिया। आटा गूंदते वक्त मैंने उसमें हल्दी डाल दी थी इसलिए वो येलो दिख रहा है, क्योंकि मैंने आज बेसन वाली पूरन पोली बनाई है। और पापा अमंती को कुछ सिखा रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे। और आज खाने में था भिंडी, सादी रोटी, पूरन की रोटी, घी, छाछ और खीर। और आज का डे यहीं पे ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट डे करते हैं और ये नहीं, कौन है मम्मी? अंदर अंदर बच्चा है अमन थी। पापा 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 पापा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, आ आ नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अमन थी दादा दादी के साथ खेल रही है, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि मोंटू को 8 बजे तक कंपनी पहुँचना होता है और अभी बज रहे हैं 7:15। तो मैं यहाँ फटाफट अपना खाना बना लेती हूँ। तो मैंने चौली की भाजी बनाई है और चावल का कुकर भी चढ़ा लिया था और दूसरे कुकर में दाल लगा ली थी, उसे भी तड़का मार के उबालने के लिए रख दिया है। और अब बनाऊंगी रोटी। रोटी बनने के बाद अमन थी और दादा के लिए ऑमलेट बनाना है और टिफ़िन भी पैक करना है, तो मैं सबसे पहले टिफ़िन पैक कर लूँगी, उसके बाद ऑमलेट वगैरह बना के इन लोगों को दे दूँगी। तो मैंने टिफ़िन भर लिया है, दाल और चावल एक टिफ़िन में, सब्ज़ी और रोटी और एक टिफ़िन में छाछ दे दिया है। और फाइनली 7:15 तक मेरा टिफ़िन बन के तैयार है। अब मैं बनाऊंगी ऑमलेट। और मोंटू चले गए हैं ड्यूटी। मैं अमंती की अलमारी साफ़ कर लेती हूँ, मैंने सारे कपड़े निकाल लिए अलमारी से और सब अब डिवाइड करूँगी।
ये कुछ पुराने कपड़े हैं जो अमंती को भी छोटे हो रहे हैं, ब्लैंकेट्स है, सब अलग अलग रखना है क्योंकि अभी अलमारी में जो चीज़ें ढूंढने जाओ वो तो मिलती ही नहीं है। बड़े बड़े फ्रॉक है नेट वाले। और ये है मेरी बहन की बेटी रीज़ा, उसका स्वेटर्स उसने अमंती के लिए दिया था जब अमंती पैदा हुई थी, तब उसे नहीं होता था, बट नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट विंटर तक उसे हो जाएगा। ये अमंती पैदा हुई थी तब उसे पहनाए थे। काफ़ी यादें, अच्छा लगता है ना कुछ पुराने चीज़ें निकाले तो। और इसका ऊपर का तो पता नहीं स्वेटर कहाँ है, सिर्फ पैंट ही मिल रहा है हर बार, ऊपर का तो गायब ही है। ये ब्लैंकेट्स, ये सब मैंने गर्म कपड़े एक थैले में भर दिए है और अब इससे रख दूंगी कहीं तो भी अच्छी जगह पर, मेरे नज़रों में फ़िलहाल अच्छी जगह अमंती का न्यू बेड है। हंस दो बेटू। और ये अमंती का खिलौना, अमंती का नहीं, एक्चुअली अमंती के पापा का खिलौना है। अमंती अभी नहीं खेल सकती इससे, इसलिए इसे रख दिया है, कुछ टाइम बाद निकाल लेंगे इसे। और अब सारे गर्म कपड़े अमंती के दीवान में रख दी। एक थैला मिल गया उधर के बेड से, तो उसमें मुझे अमंती की कुछ चीज़ें मिली है जो हमने कभी अनरैप की नहीं है, वो वैसे की वैसे ही है, यूज़ में ही नहीं आई शायद। बहुत सारा सामान था अमंती का इस थैले में। कुछ डायपर मैंने निकाल के रखे हैं। और हाँ, ये स्वेटर एडवोकेट संगीता मैडम ने अमंती को गिफ्ट किया था, और ये डायपर मैंने निकाल के रख दिए डेली यूज़ के लिए, और बाकी का पैकेट अंदर रख दिए है। और ये टोटली भर गया है। अमंती इधर देखो, तो क्या खेल रहे हो, क्या है, बजा बजा, ऐसा ऐसा बजा बजा, वे फुग्गू फुग्गू। और ये रहे जावेद शेख मेरे जीजा जी। एक्चुअली अमंती के बारसे में उन लोगों ने ये ड्रेस गिफ्ट किया था। सब लोग छोटे छोटे, मतलब उस एज के हिसाब से कपड़े लाते हैं, बट ये लोग, इन लोगों ने सोचा कि अमंती चलने लग जाएंगी तब ये ड्रेस पहनाना, और तब का ड्रेस मुझे अभी मिला है। ये मैं अलमारी में रख रही हूँ, बाकी के डायपर ये बॉक्स में भर रही हूँ, और जो बचे हुए हैं वो अमंती के अलमारी में रख दूँगी। अलमारी सेट हो गई है। सबसे ऊपर मैंने पर्स रख दिया है क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा है नहीं। फिर उसके नीचे मैंने सिंड्रेला वाले फ्रॉक रखे हैं, उसके नीचे न्यू सॉफ्ट वाले फ्रॉक, अमंती के हेयर बेल्ट, मैंने इस टाइप के ड्रेस का नहीं, इस टाइप के ड्रेस 6 का सेट लिया था, उसमें से बस 2 है, बाकी के दादा दादी के रूम में होंगे। और नीचे डेली यूज़ के कपड़े हैं। और कुछ देर बाद अमंती सो गई और मैं मेरा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सबकी नेक दुआएं कबूल हो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।